आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और महिला व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चौक में कोरोना संकट को देखते हुए और आने वाले समय को देखते हुए हम लोगों ने मास्क का वितरण देकर यह संदेश दिया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इसलिए सभी लोग त्यौहार में सकुशल अपने घर में रहें और अपने त्यौहार को बगैर बीमार हुए मनाएं। इसी संकल्प के साथ हम व्यापारियों को आगे बढ़ना है। आज हमारी मातृशक्ति ने आगे आकर अपना कार्य करा है, उसके लिए हम अपने समस्त महिलाओं को हार्दिक धन्यवाद और आभार देते हैं। दुकान खुलना भी जरूरी है त्यौहार के उपरांत, इसलिए हम लोग जो है मास्क बांटने हैं कि मास्क लगा के और आप लोग मार्केटिंग करिए। और भीड़ काफ़ी हो रही है और कोरोना फिर से फैल रहा है और जो पटाखे लोग छुड़ा रहे हैं उनके प्रदूषण से फेफड़े में प्रॉब्लम आएगी। और मास्क लगा रहेगा तो हर तरह से सुरक्षित रहेंगे। हमेशा मास्क लगा के ही बाजार में निकले अपना सामान वाल लेने, क्योंकि त्यौहार के समय में दुकान खुलना मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। दिवाली का पर्व चल रहा है और जिस तरीके से कोरोना महामारी बढ़ रही है और हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में भारत में कोरोना का ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को ढिलाई करें। और त्यौहार का समय है, सभी महिलाएं सभी बहनें त्यौहार से संबंधित सामान खरीदने के लिए बाजारों में जा रही हैं और जो बिना मास्क के जा रही हैं उनको आज हमारी महिला शक्ति ने सभी बहनों को सभी को मास्क उपलब्ध कराया ताकि वो मास्क को पहनकर अपने आप को सुरक्षित रखें और न केवल अपने आप को सुरक्षित रखें बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित रखें। यही एक संकल्प था और इन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार महिला मंडल की टीम को और इसी तरीके से ये कार्य करती रहें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अपना परिचय बता दीजिए। लालू मित्तल, नगर अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। आप सभी को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हम लोगों ने मास्क वितरण किया क्योंकि कोरोना जैसी आपदा जो आई हुई है उससे बचने के लिए, क्योंकि हम सबको अपने सारे त्यौहार मनाने हैं, हमें बाजार भी करना है, हमें जीवन भी जीना है अच्छे से। इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखते हुए हम अगर अपना सारा काम करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए आज हम सारी बहनों ने मिल के चौक में मास्क वितरण का कार्यक्रम रखा है और आप सबसे गुजारिश है कि आप सब भी मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। हम लोग का महिला व्यापार मंडल की तरफ से हम लोग यहाँ पर मास्क वितरण का प्रोग्राम था और दीपावली का अवसर आ रहा है, धुआँ वायु प्रदूषण होगा तो मास्क अगर हम लगाएंगे तो हम उस प्रदूषण से बचे रहेंगे। इसी विषय के लिए हम जागरूक करने के लिए हम यहाँ चौक जैसे बहुत ही व्यस्ततम और बहुत घने एरिया में आए हैं ताकि लोगों को मास्क दें और उन्हें बताएं कि आप लोग मास्क लगाइए जिससे कि आप लोग इस वायु प्रदूषण से बचे रहें। और ज़्यादातर ज़रूरी है कि अपने को अपनी सेहत के लिए हम अगर मास्क लगा के चलेंगे तो अपने आप को